तो हेलो फ्रेंड्स, सबसे इजी और टेस्टी मैगी बनाने के तरीके। पहले प्याज कट कर ले और उसके बाद आप पानी को गैस पे चढ़ा के गरम कर ले। आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ पानी गरम होने के बाद। तो गाइस, पानी तो अभी गरम हो ही रहा है, तो मैं 3 पैकेट मैगी लिया हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मैगी ले सकते हैं। पानी को पूरी अच्छी तरह से गर्म होने दें, उसके बाद हम ये मैगी को इसमें डालेंगे। उसके बाद जब ये थोड़ा सा मैगी बॉयल हो जाएगा, पार्शली मतलब आधा, पूरा नहीं बॉयल करना है, तो उसको हम स्ट्रेनर में अलग कर लेंगे, पानी अलग मैगी अलग। ठीक है, तो इस मैगी को डालने से पहले ज़रूर इसे ब्रेक कर लें। उससे पहले याद रखें इसमें एक थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दें, थोड़ा सा। ठीक है, जिससे मैगी जो है वो आपस में स्टिक नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने मैगी को इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा देर बॉयल होने देंगे। देखिए, इस तरह हम इसका पानी इससे अलग कर लेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखें कि मैगी को पूरा बॉयल ना करें, क्योंकि अभी इसे फ्राई भी करना है। ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की मैगी है, आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, मैंने मैगी को निकाल लिया प्लेट पे। अब इसको हम फिर ठंडे पानी में डालेंगे तुरंत। ओके, तो अब आपको एक नॉन स्टिक ले लेना है कढ़ाई, जिसमें आपको मैगी को फ्राई करना है। मैगी अभी ठंडे पानी में, उसको मैं अब निकाल लूँगा। तो देखिए, मैंने इसमें अभी रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इसको गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें डालूंगा अनियन। उसके बाद अनियन को पहले हम फ्राई करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम मैगी डालेंगे, उसके बाद इसके ऊपर मैगी मसाला डालेंगे, उसके बाद आप टेस्ट करना टमाटो सॉस के साथ, यमी। तो अब मैं जा रहा हूँ इसके ऊपर अनियन ऐड करने। अपने गैस को आप मीडियम लो फ्लेम पे रखें और इसको धीरे धीरे फ्राई करें, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। ठीक है, तो बस बने रहिए वीडियो में। और हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारे नए लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जब ये पूरा गोल्डन हो जाएगा, तब मैं इसमें मैगी डालूँगा। ठीक है, और जब मैगी को भी मैं फ्राई कर लूँगा अनियन के साथ, उसके बाद मैं इसका टेस्ट मेकर डालूँगा मैगी के साथ जो मिलता है, और उसके बाद उसको आप टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। याद रखें फ्रेंड्स कि हमें बिना पानी के इसको ये करना है, मतलब कि इसके साथ हमको फ्राई करना है इस नूडल्स को। ठीक है, इसलिए मैंने हल्का सा ऑयल ज़्यादा दिया कि चारों तरफ स्टिक ना हो। वैसे ये नॉन स्टिक पैन है तो स्टिक नहीं होगा, तो पानी नहीं देना है, डायरेक्ट इसको चाउमीन जैसा करना है आपको, ये चाउमीन जैसा आपको इसको फ्राई करना है। तो आई थिंक प्याज जो अभी थोड़ा गोल्डन ब्राउन हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैगी में डाल देता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बस ऐसे ही आपको इसको इसमें डाल के फ्राई करना है। ठीक है, अब बस इसके ऊपर हम टेस्ट मेकर ऐड करेंगे और खाएंगे। देखिए, जब आपके घर में वैसा कुछ वेजिटेबल वगैरह ना हो, आपको तुरंत कुछ खाना है, तो आप ये बना सकते हैं। इसमें सिर्फ प्याज लगता है और कुछ नहीं। अगर कोई मिर्च है तो मिर्च डाल सकते हैं, आपको तीखा पसंद है तो ट्राई ज़रूर करें। इसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, बहुत इजी वे में बनेगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में। तो जब ये फ्राई होने लगेगा, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं यही एक टेस्ट मेकर ऐड करूँगा ऐसा पूरा। ठीक है, अब बाकी दो भी मैं ऐड कर दूँगा अभी। तो पूरा इसमें टेस्ट मेकर ऐड करके इसको पूरा अच्छा तरीके से मिक्स कर लें और उसको डायरेक्ट सर्व करें। और बस इसे सॉस के साथ डालें और खाएं।